हेलो एवरीवन। तो गाइस, अगर आप अपने बालों में वॉल्यूम चाहते हैं, आपके बाल बाउंसी दिखे, आप अपने हेयर को बाउंसी लुक देना चाहते हैं, गाइस आज मैं आपके लिए ऐसा शैम्पू लेकर आई हूँ जो कि आपके बालों को घना करने के लिए इफ़ेक्टिव है, साथ में स्मूथ भी बनाएगा और बालों में वॉल्यूम भी ऐड करेगा। तो गाइस, ये जो शैम्पू है नाइल वॉल्यूम इनहेंस शैम्पू, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस शैम्पू की हम पैकेजिंग की बात करें तो प्लास्टिक की बॉटल में आता है शैम्पू। आयुर्वेदिक इन्ग्रीडियंट्स के साथ बना हुआ ये शैम्पू, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें, जैसे कि आंवला, शिकाकाई रीठा, लेवेंडर ऑयल, ब्लैकबेरी भी है। और इस शैम्पू में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो बालों को नुकसान पहुंचाए। और ये शैम्पू पीएच को भी बैलेंस्ड करता है, यानी कि आपके बालों को ओवर ड्राई बिल्कुल भी नहीं करेगा। बाल जो रूखे सूखे हो जाते हैं, ये शैम्पू रूखे सूखे बाल नहीं करेगा। और इस शैम्पू से बालों में चमक आती है। अगर आपके बाल शैम्पू करने के बाद चिपचिपे नज़र आते हैं, यानी कि बालों में चमक नहीं रहती है, तो गाइस अगर आप इस शैम्पू को यूज़ करोगे तो आपके बाल फूले फूले नज़र आएंगे और बालों में चमक भी रहेगी। बस आपको इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद सीरम ज़रूर यूज़ करना है। अगर आपने सीरम नहीं यूज़ करा तो हो सकता है आपके बाल टूटने लग जाए, क्योंकि ये जो शैम्पू है बालों को बाउंसी लुक देता है और बालों में वॉल्यूम ऐड करता है। तो आपको पता है जब हमारे बाल बहुत ज़्यादा फूले फूले नज़र आते हैं, जल्दी निकलते हैं, इसलिए बालों में सीरम लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इस शैम्पू के यूज़ की। तो इसे हफ्ते में दो बार यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्मॉल अमाउंट में शैम्पू लोगे तो ही आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन होंगे। और गाइस, इस शैम्पू की फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है। अब हम इस शैम्पू की प्राइस की बात करते हैं, तो ये जो शैम्पू है 800 ml आता है 355 rupees का। तो इस शैम्पू को आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसकी प्राइस ऑनलाइन में कम है। ऑफलाइन मार्केट में भी ये शैम्पू अवेलेबल है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।